फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमने फूलगोभी का भुंजिया बनाया है और यहाँ पे देखिए हमने पराठा बनाया है। ये पराठा देखिए हमने बिना तेल का इसे बनाया हुआ है और इसे देखिए तेल से हमने बनाया हुआ है पराठा तेल वाला। ये देखिए आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं चटनी के साथ या सब्जी के साथ, किसी वक्त आप इसे बना करके खा सकते हैं नाश्ते में। इसे हमने सुबह के नाश्ते में बनाया है, आप किसी वक्त बना करके खा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है, बने रहिए पूजा ब्लॉग्स। देखिए हम फूलगोभी को इस तरह से कट कर लेंगे बारीक से। ये देखिए हमारा कट गया फूलगोभी और यहाँ पे देखिए हमने टमाटर को भी बारीक कट कर लिया। मिर्ची को इस तरह से कट करेंगे जैसे कि बच्चों को अगर मिर्ची नहीं पसंद है या बड़ों को तो निकाल भी सकते हैं। इसी तरह हम बनाएंगे इसे नाश्ते में। चलिए यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई में पचफोरन डाल दिया, मिर्ची डाल दिए हैं। अब इसमें गोभी डाल देते हैं हम फूलगोभी और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे हमें पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना है इसे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनता है सब्जी। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। जो लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे वो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया। इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं। देखिए इस तरह से स्वाद के हिसाब से नमक डाल के इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह ये बहुत जल्दी सब्जी तैयार हो जाती है। 15 मिनट लगता है इसे तैयार होने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और हमें आंच को मीडियम रखना है, ना ही तेज नहीं रखना है हमें इसे, ना ही एकदम धीमा रखना है। इसे ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये पक भी गए हैं, बस थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। इसी वक्त हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। ये देखिए इस तरह, आप चाहे तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो। देखिए इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब टमाटर गलने के लिए हम 1 मिनट के लिए इसे वापस ढक देते हैं ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए इस तरह से। देखिए 1 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हो गया हमारा सब्जी तैयार। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस पर हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है, किसी वक्त बनाइएगा। और इसमें अमचूर जरूर डालिएगा, अमचूर ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी हो गई है तैयार। इसे हम गैस बंद कर देंगे, इसे निकाल लेते हैं प्लेट या कटोरी में। इधर देखिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे इस तरह से। इसमें हम 1 चुटकी कलौजी डाल देंगे जो देखने में अच्छा लगेगा हमारा पराठा। और हल्दी डाल देते हैं इसमें, इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से। और चाट मसाला डाल देंगे जिससे खट्टा मीठा स्वाद आए इसमें। देखिए इसमें थोड़ा मोयम के लिए हम तेल को डाल देंगे इसमें इस तरह से, 2 से 3 चम्मच। इसे आप इसी तरह भी बना करके खा सकते हैं। इससे ऐसे ही बिना सब्जी के भी खाने में बहुत ही टेस्टी आता है ये। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इस तरह से। देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अजवाइन भी डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गए। अब इससे आटा हम गूंथ लेते हैं थोड़ा पानी डालते हुए, जैसे रोटी का आटा हम बनाते हैं बस वैसे ही हमें बनाना है। अगर आपको और भी तीखा आपको चाहिए तो इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं कूट के, या फिर वैसे ही डाल सकते हैं। लेकिन हम इसी तरह बना रहे हैं क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा तीखा उनके लिए नहीं बनाएंगे। ये देखिए अब इसे गूंथ लेते हैं। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से हम इसे तैयार कर लेंगे आटा। देखिए हमारा आटा हो गया है तैयार। चलिए इनका हम पराठा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तावा रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोई ले लिए हैं, इसका अच्छे से रोटी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से रोटी जैसा बना लेना है हमें पराठा को, इसे सेक लेते हैं। अब पराठा जैसा ही हमें इसे बनाना है। देखिए इसे पलट लेते हैं। देखिए इस तरह सेक लेंगे और इस तरफ तेल लगा लेते हैं।
कि इस तरह से अच्छे से तेल लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए इस तरफ भी लगा लेते हैं तेल। आप चाहे तो बटर या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आप खाते होंगे। इस तरह सेक लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से। देखिए अच्छे से सिक गए हैं दोनों साइड से। ये देखिए कितना अच्छा लगा देखने में। इसी तरह हम और भी बना लेंगे पराठा। ये देखिए इस तरह, देखिए इसे पलट लेते हैं दोबारा। ये देखिए इस तरह हम दोनों तरफ से लगाते हुए तेल अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। पलट लेते हैं इसे वापस से। ये देखिए इस तरह वापस से तेल लगा लेंगे इधर। इसी तरह हम पराठा तैयार कर लेते हैं सभी को। इस तरह से देखिए हमारा दूसरा पराठा भी हो गया है तैयार। हमारा सुबह का नाश्ता है ये। आप किसी वक्त इसे आप बना के खा सकते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, जिससे हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरे को भी हेल्प मिल सके इसे बनाने में। ये देखिए ये हो गया दोनों तरफ से हमारे पराठा तैयार। देखिए ये पराठा बिना तेल का भी आप बना सकते हैं। ये देखिए हम दूसरा पराठा बना रहे हैं। देखिए इस तरह से कितना अच्छे से फूल जाएंगे। इसी तरह हमें बना लेना है, अच्छे से सेक लेना है दोनों तरफ से, जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरह हमें बनाना है। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अच्छे से इसे हम सेक लेंगे दोनों तरफ से ताकि कच्चा ना रहे। देखिए इस तरह कितना अच्छा ये फूल रहा है। देखिए इसी तरह हमें बना लेना है बिना तेल का भी। देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप किसी वक्त बना करके देखिए हमारा पराठा और सब्जी दोनों हो गया है तैयार। ये देखिए हमने इसे तेल से सेक करके बनाया है और इसे बिना तेल का हमने बनाया है। ये देखिए आप बिना तेल का भी इसे बना सकते हैं और तेल वाला भी बना सकते हैं। और फूलगोभी की हमने देखिए सूखी भुंजिया बनाई हुई है। ये देखिए कितना अच्छा लगा देखने में। और बिना लहसुन प्याज का है ये। आप किसी वक्त इसी तरह बना करके खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।